हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू गेमिंग चैनल द जैस। तो यार, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि कौन सा रिकॉर्डर यूज करें और कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है एडिटिंग के लिए, कौन सा ऐप यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी गेमर होते हैं, फ्री फायर मान लीजिए 10 प्लेयर है, 10 प्लेयर में से 2 या 4 लोग मेनली यूट्यूब खोलते हैं, भले वो चलाए या फिर बीच में ड्रॉप आउट कर दे वो अलग बात है, पर खोलते सबको, सब लोग हैं। तो यार, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्री फायर खेल रहे हैं तो अधिकतर लोग अपना अपना यूट्यूब चालू कर देते हैं, पर उन लोगों को समझ नहीं आता, उन लोगों को पता नहीं रहता कि कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है, एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो यार, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ गाइड करता हूँ। तो जैसे कि देखिए, आपका पहला क्वेश्चन होता है कि यार रिकॉर्डर कौन सा यूज करें। डीओ रिकॉर्डर वगैरह में कुछ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कुछ रिकॉर्डर्स होते हैं बहुत मतलब दिक्कत वाले होते हैं। तो यार, मैं अभी 2-3 साल पहले भी यूट्यूब चलाता था, तब भी मैं एक ही रिकॉर्डर यूज़ करता था, एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर। तो यार, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से प्ले स्टोर पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ कि वॉइस क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें, यार उसका भी मैं बताता हूँ कि क्या करना है। तो पहली चीज़ देखिए, तो यार अगर आपका ईयरफोन अच्छा है, अगर आपका माइक अच्छा है तो आप माइक से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको शांत कमरे में जाना है जहाँ पर शांति रहे, या फिर रात के समय रिकॉर्डिंग करनी है, ज़्यादा नॉइस वगैरह ना हो, क्योंकि रात के समय शांति रहती है और वीडियो में बैकग्राउंड वॉइस नहीं आती। तीसरी चीज़ है, अगर बैकग्राउंड वॉइस आती भी है तब भी वीडियो कॉल आवाज़ अच्छी नहीं आ रही आपकी, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर, डॉल्बी ऑन करके एक ऐप नाम है, आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आराम से। आपको इसको इंस्टॉल करना है और सिंपली इसमें जाना है, यहाँ पे आपको जो अलाउ करने के लिए बोलेगा अलाउ कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑन करना है, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, और इसके बाद आप थोड़ा सा रिकॉर्ड करके ट्राई करिए इसको, फिर इसको सेव करके आप प्ले करिए। आपको इसको सेव अलग से भी करना पड़ेगा, अपने फाइल फोल्डर में, फाइल मैनेजर में सेव करना पड़ेगा। और इसको आप जब ऑन करेंगे तो वॉइस क्वालिटी, जैसे कि मेरी वॉइस क्वालिटी अभी थोड़ी सी इंप्रूव आ रही है। पहले मैं अपने पीसी में रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें अच्छा सा हेडफोन है, उसमें अच्छा सा माइक है, और उसके बाद मैं डॉल्बी ऑन में जाता हूँ, उस वॉइस को डॉल्बी ऑन से कन्वर्ट करता हूँ, थोड़ा इंप्रूव करता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको अपने वीडियो में यूज करता हूँ। तो आप भी ऐसे करके अपनी वॉइस क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपकी थोड़ी सी खराब रहेगी, आप बोलने में हिचकिचाहट होगी या दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे जैसे आप पहले नूब रहेंगे बाद में प्रो बन जाएंगे, तो उसकी दिक्कत नहीं। अब बात आती है एडिटिंग की। तो यार, अगर आपको एडिटिंग करनी है, नॉर्मल एडिटिंग करनी है, तो यार सिंपल सा ऐप है, 2 ऐप बताता हूँ। पहला ऐप है काइनमास्टर काफ़ी ईजी है अगर आप इसको सीख गए। देखिए, पहले आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप जैसे 1 घंटे में कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं, पर जैसे जैसे आप इसमें एडिट करते जाएंगे आपकी आदत हो जाएगी। फिर इसके बाद आपका जो एडिटिंग का टाइम है, आप 10-10 मिनट में एक एक वीडियो एडिट कर सकते हैं, थोड़ा आपको इसमें भी प्रो होना पड़ेगा। सिंपल सा ऐप है काइनमास्टर। आप सोच रहे होंगे काइनमास्टर में लोगो आता है, तो यार गूगल पे जाओ, वहाँ पे लाखों तरह के मोड पड़े रहते हैं, मोड एपीके, और अगर आपको वो भी ना मिले तो आप बता दीजिएगा, मैं उसके अभी लिंक डाल दूंगा। बहुत तरह के मोड आते हैं, प्रीमियम, काइनमास्टर डायमंड, काइनमास्टर प्रो, काइनमास्टर ड्रैगन, ग्रीन, ब्लैक, रेड, हर तरह का आता है इसका मोड। तो उसमें आपको अलग अलग फीचर मिल जाते हैं, इसमें लोगो वाटरमार्क भी नहीं रहता यार, मतलब बढ़िया है। उसमें आप एक्सपोर्ट भी अच्छी क्वालिटी में कर सकते हैं, जैसे होता है बहुत लोग कहते हैं मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, लोगो वगैरह आता है, वाटरमार्क आता है, तो यार ये सब में कुछ नहीं होता, मैं भी तो उसी से करता हूँ, और बाकी अधिकतर जो लोग यूट्यूबर होते हैं वो भी फ्री वाले से ही यूज करते हैं। अब थोड़ा इससे हायर वर्जन में जाएंगे, विद इफेक्ट वगैरह चाहिए, ट्रांजिशन चाहिए आपको, तो आपको एक VN करके ऐप आती है प्ले स्टोर में, मैं भी उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं कर लीजिएगा। कुछ 125 MB अप्रोक्स है, तो यार साइज बड़ी है, पर यार इस एडिटिंग ऐप में कुछ ज़्यादा फीचर्स देते हैं, और पहले से इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट, साउंड इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, एडिटिंग करने के लिए मस्त ऐप है। इसकी ट्यूटोरियल भी आप सर्च कर लीजिएगा, तो आप शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं थंबनेल बनाने की। तो यार सिंपल थंबनेल बनाना है तो आपको थोड़ा बहुत पिक्सआर्ट सीखना होगा। पिक्सआर्ट एक सिंपल सा ऐप है, वो काफ़ी इजी है, तो उसमें आपको थोड़ा नोटंकी नहीं करना रहता। आप बिगनर हैं, बिगनर के लिए पिक्सआर्ट बेस्ट है। अब जैसे जैसे आपका ये सब का आदत हो जाएगा तो आप हायर ऐप के लिए जा सकते हैं, जो कि सिर्फ थंबनेल बनाने के काम आता है। और अब रही बात डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन यार, कहीं भी आप किसी भी यूट्यूबर से जिसकी वीडियो रैंक कर रही हो, अच्छी खासी व्यू आ रही हो किसी वीडियो पे, तो उसके डिस्क्रिप्शन को आप कॉपी कर लीजिए, अपने में आकर पेस्ट कर लीजिए, काम खत्म आपका। और एक लास्ट बात, तो जैसे कि आप लोग एक वीडियो डाल चुके हैं और वीडियो डालने के बाद आपको उसका थंबनेल चेंज करना है, तो आपको सिंपली जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे, वहां से वीडियो स्टूडियो नाम का एक ऐप आता है। देखिए, यूट्यूब को मैनेज करने चलाने के लिए यूट्यूब ऐप है, पर इसको मैनेज करने के लिए, आपके चैनल को मैनेज करने के लिए एक वीडियो स्टूडियो ऐप होता है। तो यार छोटा सा वीडियो था, स्टार्टर पैक था एक यूट्यूबर होने के लिए। तो यार होप करता वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।